ओके जल्दी से। ओ नो, पेन तो नहीं लाई, कोई बात नहीं। पेन, डू यू हैव एक्स्ट्रा पेन? एक्स्ट्रा पेन देखती हूँ कहाँ है। स्केल भी नहीं है। Do you have extra scale? Scale? Anyone? Scale? 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 No. No? Okay. हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अ बेटर लाइफ। क्या आपके साथ कभी ऐसा होता है कि आप एग्जाम में गए हैं एंड यू नॉट गॉट योर स्टेशनरी, एंड जो स्टेशनरी लेके जानी है उसके लिए यू कंफ्यूज? देन वरी नॉट, ये वीडियो आपके लिए सुपर यूजफुल होने वाली है बिकॉज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ व्हाट्स इन माय बैग फॉर एग्जाम्स। एग्जाम डेज के लिए आप कैसे अपने आप को प्रॉपर्ली इक्विप करके जा सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो एंड क्विकली लेट्स सी दैट व्हाट ऑल नीड्स टू बी देयर इन योर एग्जाम बैग। ऑलराइट, सो क्विकली आप एक चेकलिस्ट बनाएंगे। चेकलिस्ट के अंदर लिखेंगे कि हमें क्या क्या चाहिए अपने बैग के अंदर फॉर आवर एग्जाम्स। लेट्स बिगिन सो दैट हमारे साथ ये ना हो कि वी फॉरगेट समथिंग इम्पॉर्टेंट ड्यूरिंग आवर एग्जाम। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज कमिंग आउट ऑफ माई बैग एंड दैट इज दिस। ओके, लेट मी कीप इट हियर। सबसे पहले हम इसको एक्सप्लोर करते हैं। सो इसके अंदर मेरे पास हैं दीज टू रियली रियली इंटरेस्टिंग पेन्स, ये बॉल पेन्स, जिसके अंदर पहला है योलो फ्रॉम फ्लेयर, सेकेंड इज स्मूथ मेड फ्रॉम रेनल्स। ऑलराइट, तो अगर आप पेन सिलेक्ट कर रहे हैं स्पेशली बॉल पेन्स तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी। नंबर वन कि जो भी आप पेन ले रहे हैं उसकी टिप कैसी है। अगर वो 0.5 mm की टिप है तो आप उससे अच्छी हैंड राइटिंग लिख सकते हैं। वेयर एज ये ज़रूरी नहीं है कि उससे आपकी स्पीड भी मेंटेन होगी, क्योंकि वो छोटी टिप है वो कम इंक डिस्पर्स करेगी एक टाइम पे। वेयर एज जो 0.7 mm की टिप होगी वो थोड़ी मोटी टिप होगी, वो फास्ट लिखेगी बट हो सकता है उससे हैंड राइटिंग उतनी नीट ना आए। तो इनके कॉम्बिनेशन से ही आपको पेन्स को सिलेक्ट करना है कि अगर आपको बेटर हैंड राइटिंग लिखनी है तो आप 0.5 mm लीजिए, बट अगर आपको स्पीड मेंटेन करनी है 0.7 mm करिए। बट ये दोनों पेन ऐसे हैं जिनकी फ्लो बहुत अच्छा है, तो पतली टिप में भी आप अच्छी हैंड राइटिंग मेंटेन कर सकते हैं एंड इसके 0.7 mm के अंदर भी आप अच्छी हैंड राइटिंग लिख सकते हैं, नीटर हैंड राइटिंग लिख सकते हैं। राइट, सो दैट्स व्हाई दीज टू पेन्स आर माय चॉइस फॉर बॉल पेन्स। अनदर थिंग दैट आई हैव इन दिस बैग इज दिस इंटरेस्टिंग ऑफर। नाउ व्हाट इज दिस? चलो लेट मी टेल यू। तो अगर आप क्लास 11th या क्लास 12th में हैं तो ये आपके लिए बहुत काम का होने वाला है बिकॉज फिजिक्स वाला अपने बैचेस स्टार्ट कर रहे हैं। फॉर क्लास 11 देयर इज Arunabh 3.0 एंड for class 12 there is Kautilya 3.0. both are available at ₹3200 in batches के अंदर। they'll cover accountancy, business studies, economics, applied mathematics, com mathematics and english। ये सारी classes live होंगी on physics वाला app, तो अगर आपने कोई class miss कर दी है so you can watch it later in the recorded form। class notes आपको दिए जाएंगे in the pdf form, dpp sheets आपको दी जाएंगी and the respective solution will be provided with each lecture। doubt engine provide किए जाएंगे, वीकली टेस्ट दिए जाएंगे, सब्जेक्टिव यूनिट टेस्ट एंड फुल सिलेबस टेस्ट विल बी कंडक्टेड। अगर कोई इस तरह से तैयारी कराए आपकी तो आई एम श्योर थिंग्स विल बी डेफिनेटली वेरी वेरी इजी फॉर यू। आप इन हेवी डिस्काउंट्स को अवेल कर सकते हैं ऑन द ओकेजन ऑफ टीचर्स डे। टीचर्स डे पे स्पेशली दे रहा है पीडब्ल्यू आपको ये सारे डिस्काउंट्स, तो अगर आप अवेल करना चाहते हैं तो आपको जल्दी ही करना होगा बिकॉज ये ऑफर लिमिटेड पीरियड के लिए है। सो अगर आपको ये डिस्काउंट्स को अवेल करना है देन यू कैन क्लिक ऑन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। और अगर आप ₹200 का डिस्काउंट और चाहते हैं then you can use my code ABL200 to get instant discount of ₹200। ये coupon code will only be applicable on PW app, जिसका मैं आपको link देने वाली हूँ description में। Now coming to the gel pen, तो अगर आपने पूरा इनका review नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। I'll leave the link of the video somewhere in the cards, okay, so just do check out। अब हम आते हैं जेल पेन्स के अंदर। जेल पेन के अंदर द बेस्ट जेल पेन दैट यू कैन यूज फॉर योर एग्जाम, जिसकी ग्रिप अच्छी है, जिसके अंदर आप अच्छे से लिख सकते हैं, फास्ट लिख सकते हैं, इंक अच्छी है, ट्रांसफर नहीं होती है all these things waterproof है is this one that is High Tech Point V7RT. इसके ऊपर भी मैंने पूरा वीडियो किया है, you can check it out. इनके दो pieces लेकर ज़रूर जाएं, एक पीस नहीं. ऑलराइट. एंड सेकेंड थिंग, हमेशा पेन को थोड़ा यूज़ करें. ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ द पेन आप यूज़ करके 3/4 अपने एग्जाम के लिए रख सकते हैं. उससे पेन स्मूथ हो जाता है, फ्लो बेटर हो जाता है. अनदर इज यूनिक क्लिक जेल. इट इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग पेन. It also is a good pen for your exams. You can take this. Now moving on to the another thing. Now another tip that I want to share with all of you is एक ब्लैक जेल पेन लेके जाएंगे जिसको हम अपने स्केल के साथ कुछ इस तरह लगा कर जाएंगे. Because we'll take 2 types of ruler or scales in the exam. These two. ये use होंगे to make the margins. एंड ये यूज़ होगा टू हाईलाइट. ओके, या आपको डायग्राम के अंदर अगर चाहिए तो. नाउ व्हाई दिस? दिस इज़ बिकॉज जब हम लास्ट के 5 मिनट्स में हाईलाइट करते हैं, अंडरलाइन करते हैं, या तो हमें पेन नहीं मिलता है या तो हमें स्केल नहीं मिलता है. तो अगर आपके पास ये होगा तो आप जल्दी से स्केल को ही यूज़ करेंगे हाईलाइट करने में एंड आपका पेपर नीटर लगेगा. ओके, अनदर प्रो टिप, कभी भी आप हाथ से सर्कल्स नहीं बनाएंगे अपने डायग्राम के अंदर. ऑलवेज यूज़ अ कंपास एंड हमेशा कंपास के अंदर पेंसिल को ऑलरेडी फिट करके जाएंगे सो दैट यू डोंट वेस्ट टाइम इन फिटिंग द पेंसिल ड्यूरिंग द एग्जाम. ऑलराइट. नाउ नॉट ओनली दिस कंपास इज अगेन वेरी यूजफुल फॉर अनदर थिंग ऑल्सो, एंड दैट इज़ कि जब आपको पेपर जो होता है एग्जाम पेपर उसके अंदर होल करना होता है, तो अगर आप जनरली पेंसिल से होल कर देते हैं तो क्या होता है, वो बहुत बड़ा होल हो जाता है और थ्रेड कभी कभी बाहर आ जाता है. बट दिस विल हेल्प यू टू मेक द होल इन अ राइट वे. तो आपको क्या करना है, आपको पेपर बीच में रखना है, नीचे इरेजर रखना है एंड देन यू मेक द होल लाइक दिस एंड उसके अंदर थ्रेड आप डाल सकते हैं. राइट, लाइक दिस. कमिंग टू द इरेजर, आपको सबसे सिंपल इरेजर पिक करेंगे जो हाई क्वालिटी इरेजर्स चाहिए. दिस अप्सरा नॉन डस्ट इरेजर इज ऑल्सो वेरी नाइस वन. यू कैन गो अहेड विद दिस वन. नाउ मूविंग ऑन टू द शार्पनर. शार्पनर जो भी आप लेंगे, मेक श्योर कि आप ये कवर के साथ लें, या तो ये वाला कवर हो उसके अंदर, या वो नॉर्मल जो कवर वाले होते हैं जिसके अंदर उनकी सारी शेविंग्स जो होती है वो कवर के अंदर जाती है. द रीज़न इज़ कि जब आप शार्प करते हैं एंड अगर वो शेविंग्स आपके पेपर पे गिर जाती हैं तो आपका पेपर एकदम ख़राब हो जाता है, डर्टी हो जाता है. डोंट डू दैट. नेक्स्ट आई एम कैरिंग फ्यू एक्स्ट्रा पेन्स. ओके, नाउ दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग पेन. अगर आपको डायग्राम के अंदर लेबलिंग करनी है तो एक बड़ा अच्छा पेन है विच इज़ कॉल्ड लक्सर फाइन राइटर 0.5. ओके, दिस इज़ अ वेरी गुड पेन फॉर दैट. ओके, एंड आई हैव रेनल रेसर जेल, ये भी अच्छा पेन है. नाउ पेंसिल, आप नॉर्मल पेंसिल शार्प करके रखेंगे अपने पास. नाउ दिस, ये आपको एग्जाम हॉल में नहीं चाहिए बट दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग फॉर योर रिविजन. आप बोलोगे दिस इज़ अ नॉर्मल स्टिकी नोट. नो, दिस इज़ नॉट अ नॉर्मल स्टिकी नोट. लेट मी शो यू इसका काम और क्या है ये. सो सबसे पहले मैंने अपनी बुक ली. ऑलराइट, नाउ मैंने डायग्राम अगर मुझे कॉपी करना है सो आई टेक दिस स्टिकी नोट. ये एक ट्रांसपेरेंट स्टिकी नोट है, मैंने इस पर लगाया अपने डायग्राम को, इसके ऊपर कॉपी किया. जो डायग्राम मेरे पास कॉपी हो गया है आई एम गोइंग टू पुट इट ऑन माई नोट्स. ओके, एंड नोट्स की बुक में मैं इसको लगा लूँगी एंड एग्जाम डेज में मुझे बार बार बुक ओपन नहीं करनी होगी. मेरे पास एक एग्जैक्ट डायग्राम अवेलेबल होगा मेरे नोट्स के अंदर एंड ऑल्सो इट इज़ अ परफेक्ट वे टू प्रैक्टिस योर डायग्राम्स. ऑलराइट, सो ये आप कर सकते हैं. ये ट्रांसपेरेंट स्टिकी नोट्स आपको अमेजोन पे मिल जाएंगे. इट वॉज फ्रॉम डिकोरियो. ओके, सो ये तो हुआ हमारा this pencil kit. Now what else do we need in our bag for exam? Now we have exam pad and exam folder. Now why do we need it? Very simple. Exam pad बहुत important है क्योंकि आपकी tables की surface रफ है या स्मूथ है, यू डोंट नो आपको कौन सी टेबल मिल रही है. सो ये कैरी करेंगे तो इट बिकम वेरी सेफर और आप फास्ट लिख पाएंगे इवन इफ आपकी टेबल की सरफेस स्मूथ नहीं है. तो पेपर को ऐसे रखना है तो ऐसे रखिए, और इफ नॉट यू कैन कीप द पेपर लाइक दिस, इट विल बी बेटर. नाउ अनदर थिंग, दिस इसके अंदर आप अपने सारे नोट्स को प्रॉपर्ली अरेंज कर सकते हैं जो आपको रिविजन के लिए चाहिए। ऑल्सो जैसे ही आपका क्वेश्चन पेपर मिलता है तो उसको भी आप इसके अंदर लगा सकते हैं। जनरली क्या होता है कि जब तक आप घर पहुँचते हैं तो क्वेश्चन पेपर इतनी क्रम्बल्ड हालत में होता है कि उसको दोबारा आप देख भी नहीं सकते, एनालाइज कैसे करेंगे फाइनल एग्जाम के अंदर। तो अगर आप उसे प्रॉपर्ली सेफ रखना चाहते हैं सो मेक श्योर कि आप एक फोल्डर ज़रूर कैरी करें, एनी फोल्डर। यू डोंट नीड टू हैव दिस काइंड ऑफ फोल्डर, एनी फोल्डर विल हेल्प। ऑलराइट, व्हाट एल्स डू आई हैव इन माई एग्जाम बैग। एग्जाम बैग के अंदर मेरे पास है अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड दैट इज दिस वाटर बॉटल। वाटर बॉटल को ज़रूर लेके जाएंगे बिकॉज जितने आप अच्छे से हाइड्रेटेड होंगे उतना बेटर आप कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट 3 घंटे के एग्जाम के लिए मस्ट। Another thing that I have in my bag is this. Now this is a snack box. I would highly recommend सारे students को that they should carry a snack box. Reason क्या होता है कि जब हम सुबह सुबह पढ़ाई करते हैं एंड वी आर पुटिंग अ लॉट ऑफ मेंटल एनर्जी, अ लॉट ऑफ कॉग्निटिव ओवरलोडिंग अपने ब्रेन पे, तो हमारा ब्रेन टायर्ड हो जाता है और जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं उस टायर्ड हालत में तो हम अपना बेस्ट परफॉर्म नहीं कर सकते। तो अपने एग्ज़ाम को स्टार्ट करने से पहले यू कैन हैव सम मंचिंग जिससे कि आपके बॉडी के अंदर हेल्दी शुगर जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो मिल जाए आपको। सो इन दिस बॉक्स आई हैव सम आंवलाज एंड आई हैव सम सीड्स एंड नट्स। आप भी अपने नट्स एंड सीड्स का बॉक्स बना सकते हैं, उसको कैरी कर सकते हैं और यू कैन कैरी एनी फ्रूट और वॉलनट्स और हैंडफुल ऑफ आमंड्स, एनीथिंग यू वांट। द पॉइंट इज कि जब आप एग्जाम देने जा रहे हो उससे पहले क्विकली पुट इट इन योर माउथ, जस्ट च्यू इट एंड जस्ट गो फॉर योर एग्जाम सो दैट आपके पास एनर्जी हो टू राइट योर एग्जाम। ऑलराइट, सो विद दिस We've covered everything. I hope कि आपने इन सबका नोट बना लिया होगा एंड आपको ये हेल्प करेगा अपने एग्जाम टाइम पे। So with this I'll take your leave and I'll see you in my next video. All the best for your exams. Bye bye. Subscribe for more such videos.